बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी जुकाम ठीक है थोड़ा सा, और मेरे हस्बैंड के अभी अभी इंजेक्शन लगा है, दवाई लेके आए हैं, वे लेट रहे हैं। और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, पूजा वगैरह भी हो गई है, बस नाश्ता नहीं करा है, हस्बैंड को तो दे दिया है क्योंकि आज चतुर्दशी है फ्रेंड, और हमारे यहाँ चौदस बोलते हैं, बड़ी चौदस देवी माँ की, तो मैं आप लोगों को चौदस बोल देती इसलिए रुक गई थी बीच में। तो मैं जा रही हूँ हलवा का प्रसाद बनाने, हलवा पूरी का, क्योंकि देवी माँ को भोग लगेगा, तो आप लोगों को देवी माँ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आवे क्योंकि आज बड़ा दिन है। तो चलिए फटाफट से प्रसाद बना लेते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से किचन में। तो आप सबको बड़ी चौदस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जय माता दी फ्रेंड, क्योंकि आज चौदस है, बड़ा दिन है देवी का, तो यहाँ बना रही हूँ प्रसाद देसी घी में। तो मैंने 11 पूरी बना ली है देसी घी में, और ये नवरात्रों का हमारा प्रसाद बचा हुआ रखा है। और ये देखिए थोड़ा सा हलवा बनाया है, क्योंकि नीचे भी पक्का खाना बनाया है, क्योंकि मम्मी जिमाएगी कन्या, इसलिए थोड़ा सा ही प्रसाद बनाया है बस भोग लगाने के लिए। तो हलवा बन गया है, 11 पूरी भी बन गई देसी घी में ही। तो चलिए फटाफट से बनने देते हैं हलवा, और फिर भोग लगाए आएंगे देवी माँ को, क्योंकि आज चौदस का दिन है, इतना बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे यहाँ महामाई की जयंतियाँ भी निकलती है। अगर हो सकेगा तो थोड़ी बहुत मैं जयंतियाँ भी दिखाऊंगी, अगर बच्चों ने बनाई तो बाहर जाके, क्योंकि फ्रेंड गर्मी इतनी है ना, बच्चे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, अगर निकले तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले गाय की निकाल दी है मैंने, कि चल बनने लग रहा है तो गैस जलते हुए अग्नि जिमानी चाहिए, तो यहाँ मैंने अग्नि जिमा दी है, गाय की निकाल के 2 पूरियाँ। तो हलवा बनने देते हैं, इतने हम पूरियाँ वगैरह मैंने ढक के रख दी हैं, क्योंकि सूख जाएंगी, और गर्मी में तो 2 मिनट भी खुला छोड़ दो तो सूख जाता है हलवा, हमारा रेडी होने लग रहा है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है हलवा। तो हलवा बन चुका है, करते हैं गैस बंद और फटाफट प्लेट लगाते हैं मंदिर में ले जाने के लिए। तो यहाँ गैस बंद हो गई, हलवा देख सकते हो रेडी है बिल्कुल, और ये 4 पूरी मैंने भोग की रख ली हैं, ये 4 पूरी भोग की हैं फ्रेंड। और पीछे से बैक से आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड, आप लोगों को पता है फैमिली में तो ऐसा चलता ही रहता है, क्योंकि पीछे कितना ही वॉइस ओवर आराम से कर लूँ फिर भी आवाज़ आ ही जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी की और बाबा श्याम की लगा ली है प्लेट, उधर देवी माँ के भोग की लगा ली है। तो चलिए फटाफट से मंदिर में भोग लगाने चलते हैं, और सुबह का टाइम है, बच्चे भी स्कूल जा चुके थे, बच्चों की कल की छुट्टी रहेगी बालाजी जयंती की, महामाई जयंती की नहीं है, आज यानी कि चौदस वाले दिन महामाई की जयंतियाँ निकलती हैं। भोग लगा दिया है, सबको दे दिया है, अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मम्मी बिठाएगी कन्या। तो चलिए नीचे चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को नीचे ही किचन में, क्योंकि नीचे पूड़ियाँ बनानी है, फिर मम्मी कन्या जमाएगी, क्योंकि मम्मी 14 तक ही बढ़ती थी फिलहाल। तो चलिए नीचे मिलते हैं और धूप देखिए कितनी तेज धूप हो रही है। तो चलिए नीचे चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, मेरी वीडियो पर बने रहना। तो यहाँ फ्रेंड मैं नीचे आ चुकी हूँ, हस्बैंड को भी नाश्ता दिया, उनकी तबीयत ख़राब थी, बच्चे भी स्कूल चले गए, तो उसके बाद मैंने भोग बनाया, पूजा वगैरह बच्चों के जाने के बाद ही करी थी आज, क्योंकि भोग वगैरह बनाना था पहले, तो ऊपर का भोग लगा के मैं नीचे आ गई थी फ्रेंड। यहाँ बना ली है इतनी सारी पूरियाँ, और सब्जी में बनाए हैं छोले और हलवा, मम्मी भी मेरे साथ ही लग रही थी, अभी मम्मी भोग लगाने गई है देवी को, यानी कि मम्मी बहुत सारी पूरियाँ निकालती हैं भोग की, और फिर बच्चों को, जो बच्चे स्कूल नहीं गए हुए होंगे क्योंकि मंडे का दिन है, सारे बच्चे स्कूल गए होंगे, आसपास में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो स्कूल नहीं गए हैं, मम्मी ने कह दिया था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे उन्हें मैं बुला लूँगी। तो जो बच्चे नहीं गए थे, 9 बच्चे सारे हो गए थे, लड़का लड़की मिला के 9-10 हो गए थे, तो मम्मी उन्हें ही जिमा लेगी, क्योंकि मम्मी 14 तक ही नवरात्रों के व्रत रही थी, और 8 तक तो मैं रही थी और 14 तक मम्मी पूरे रही थी, क्योंकि मम्मी का दरबार 14 तक ही लग रहा था फ्रेंड। तो यहाँ देखिए फटाफट से पूरियाँ बना ली, और आटा थोड़ा सा ना ढलक गया था फ्रेंड, तो इसलिए साथ के साथ बेलनी पड़ रही है, सेकनी पड़ रही, देख सकते हो आप कैसी फुली फुली पूरियाँ बन रही है। तो यहाँ पूरियाँ सेक दी हैं सारी, और यहाँ हलवा रखा हुआ है, सारा खाना दिखा देती हूँ, बादाम भी डाल रखे हैं, और ये छोले, तो मैंने डोंगे में कर लिया है सारा खाना, बस बच्चों के आने की देर है। तो चलिए फटाफट ढक देते हैं, और यहाँ देखिए बच्चे आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि जितने बच्चे थे मम्मी ने उतने ही बुला लिए, तो जो बच्चे स्कूल नहीं गए थे उन्हें बुला लाइए मम्मी, बच्चे जिम बनने लग रहे हैं, दरबार देख सकते हो आप नवरात्रों से ही लग रहा है, और 2 बच्चे बड़े बड़े ऊपर भी बैठे हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा, दोनों भाई हैं वे। तो चलिए फटाफट से मिलते हैं आप लोगों से अब शाम को। यहाँ फ्रेंड शाम का टाइम हो गया है, और मैं वहाँ से आने के बाद इतनी थक गई थी कि मैंने थोड़ी थोड़ी सी चाय बना के लेट गई थी,
क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। अब शाम हो गई है 4:30 आंखों में भी ना पता नहीं क्या हो गया था, आंखों में धुआं लग रहा था बहुत ज़्यादा पूरियों का, तो मैं इतनी थक गई थी। मैं तो दोपहर में 2-2.5 घंटे पड़ के सो गई थी। अब जब उठी हूँ 4:30 बजे तो उठ के मुँह हाथ धोया है, अपना झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, घर में 2-4 बर्तन हो रहे होंगे उन्हें साफ़ करूँगी। आज जयंती वगैरह तो कुछ भी नहीं है क्योंकि धूप ही इतनी हो रही थी काफ़ी कि वीडियो कहाँ से बनती जयंती की। और काफ़ी लोग जा रहे थे जयंती में भी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, नहीं तो वो भी बना लाते जयंती की वीडियो। और बच्चे देर से आए थे, बच्चे घर पे होते तो वो भी जयंती की वीडियो बना लेते। अगर हो सके तो अगली बार ज़रूर आप लोगों को महामाई की जयंती की वीडियो दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल देर हो गई थी काफ़ी, इसलिए कोई वीडियो नहीं बन पाई थी। अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरी वीडियो पर आगे बने रहना आप लोग, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होता है तो मैं भी कुछ कर लेती हूँ और नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया, 7:15 आप देख सकते हो, यहाँ करने लगी हूँ पूजा, क्योंकि अंदर मंदिर में पूजा कर रही हूँ और शाम की दीपावती कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से महारानी पे भी दीवा जला देते हैं। दोनों टाइम दीवा जलाती हूँ फ्रेंड में, सुबह का टाइम भी और शाम का भी। तो ये देखिए शाम का दीवा जल रहा है महारानी पर, 7:15 फ्रेंड। फिर यहाँ से पूजा करने से पहले मैं अरवी रख के गई थी उबलने, और पूजा होते ही मैं खाने में लग जाती हूँ साथ की साथ। 8:15 बजे तक हमारे घर में सब खाना खा लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ मैं, बता दो 10 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता है रात का, यानी कि भगवान जी सुलाना, रात को हस्बैंड को चाय दूध जो लेना है वो लेना, सारे बर्तन वगैरह सब। यहाँ बच्चे कुछ कहने लग रहे थे, उनकी बात सुन के मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं पूजा भी करती जा रही थी। तो चलिए फटाफट से आरती कर लेते हैं महारानी की, धूप बत्ती जला दी है। तो यहाँ होगी हमारी शाम की पूजा, इतने हमने पूजा करी, इतने हमारे 2 आलू और अरवी अच्छी तरह से उबल गए हैं, इन्हें फटाफट से छील लेते हैं। और 2 ही सीटी लगाई थी, अरवी बिल्कुल अच्छी तरह से उबल गई और ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं है इन्हें छीलने में, तो मैंने कट कर लेती हूँ फटाफट से। और फिर इन्हें देखाऊंगी आज मैं आप लोगों के साथ मसाला अरवी कैसे भी बनाती हूँ, सूखी मसाला अरवी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो चलिए फटाफट से कट कर देते हैं, और 2 आलू भी गेरती हूँ मैं, उससे आलू का टेस्ट अच्छा आता है, आप लोगों ने देखा होगा मैं हर चीज़ में आलू गेरती हूँ। अपनी चीज अपना अलग टेस्ट होता है फ्रेंड, आप लोग गेरना चाहते होंगे तो गेर लेना, नहीं तो ऐसे बना के देखना, मसाला अरवी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए फटाफट से छील लेते हैं। तो यहाँ देखिए गैस पर मैंने सरसों का तेल चढ़ाया है, रिफाइंड ऑयल नहीं चढ़ाया है। तो अरवी, 2 आलू, हरी मिर्चें और कुछ ऐड नहीं होगा इसमें, टमाटर वगैरह अरवी में हम नहीं गेरते हैं। तो स्वाद के अनुसार डाला है नमक, हरी मिर्चों से ज़रूर तड़का लगाती हूँ मैं इसमें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर गेर दिया, 2 चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर ज़्यादा लगता है, और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, सब अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब ये डालना थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है, उससे कलर भी अच्छा आता है। देखिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च हो गई हैं, ये मसाले हो गए हैं, और गैस पे चढ़ा दिया है मैंने सरसों का तेल, और सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी लगती है अरवी। तो इसमें डाल दिया अजवाइन, अजवाइन से ही तड़का दूंगी, 1 छोटी चम्मच हींग, हींग ज़रूर डालना, सूट हो आपके पास सूट डाल सकते हो, अच्छी लगती है वो भी, नुकसान नहीं देती अरवी। तो यह देखिए सारे मसाले डाल दिए, अभी से अच्छी तरह से पहले हम मसाले को भूनेंगे, क्योंकि जो इसमें हम मिर्चें गेरी हैं जब वे तड़क जाएंगे उसके बाद ही हम इसमें अरवी और आलू गेरेंगे। तो मसाला भुन जाएगा, देख सकते हो आप मसाला कितनी अच्छी तरह से भुनने लग रहा है। अब इसमें हम आलू और अरवी दोनों चीज़ एक साथ गेर देंगे। तो इसे बनाने का कम गैस पे बनाना और बहुत अच्छी बनेगी, एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग। और ये हमने इसमें अच्छी तरह से मसाले मिला देते हैं और थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे, जिससे हमारी अरवी बन जाएगी। थोड़ी देर ढक के ज़रूर छोड़ना, जो इसमें नमी होगी ना मसालों की सारी ले लेगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिला दिए हैं मसाले, तो ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो गई है और हमारी अरवी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल जिस तरह की मुझे अरवी चाहिए, एकदम खिला खिला दाना और करारी करारी, ऐसी अरवी ही आज खाते हैं हमारे घर पे। तो चलिए गैस बंद करते हैं, रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं, यहाँ दूध उबल रहा है। तो यहाँ देखिए अरवी बन चुकी है, और इधर रख दी है मैंने गैस पर, उधर रख दिया है तवा, पराठे बनाऊंगी इसके साथ, रोटी नहीं बनाऊंगी, तवा भी जल गया है, आप लोग देख सकते हो कम गैस पे भी जल गया है। यहाँ सेकने लगी हूँ रोटियाँ नहीं, पराठे सबके लिए। तो आ जाइए, मसाला अरवी और पराठे रेडी हैं। तो फ्रेंड यही मेरी छोटी सी वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना,
और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी। और मौसम का तो पूछो मत। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अपनी अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखें फ्रेंड, मौसम बहुत बदल रहा है, बहुत ज़्यादा ही।